अभी बहुत टाइम बाद डैनियल से मिली थी, इसलिए वो दोनों घर आते ही गचागच मचाना शुरू कर देते हैं और ये प्रोसेस पूरे दिन चलता है। फिर अगले दिन डैनियल को उसके एक दोस्त का फोन आता है जो उसे बताता है कि मिलिट्री प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने वालों को अरेस्ट कर रही है। अभी सुनकर डेविड बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो भी उन सभी के साथ प्रोटेस्ट कर रहा था। फिर डैनियल लीना को वहाँ से चलने के लिए बोलता है और वो दोनों चिली छोड़कर जर्मनी जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर वहाँ से जाते हुए डैनियल देखता है कि मिलिट्री के लोग प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। अभी देखकर डैनियल उन लोगों की फोटोज क्लिक करने लगता है ताकि वो बाकी की दुनिया को चिली में हो रहे इस अत्याचार के बारे में बता सके। लेकिन तभी एक ऑफिसर उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है और फिर मिलिट्री वाले उसे और लीना को भी पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद मिलिट्री वाले सभी प्रोटेस्टर्स को एक बड़े स्टेडियम में ले जाते हैं जहाँ पर एक आदमी प्रेसिडेंट के सपोर्टर्स के बारे में मिलिट्री के लोगों को बताने लगता है। वो आदमी वहाँ पर डेविड को भी पहचान लेता है, जिसके बाद मिलिट्री के लोग डेविड को एक एम्बुलेंस में बंद करके वहाँ से ले जाते हैं। अब बचे हुए लोग जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे उन्हें छोड़ दिया जाता है, जिनमें से एक लीना भी थी। इसके बाद लीना डेविड को छुड़वाने के लिए उनके दोस्तों से हेल्प मांगने जाती है, पर वो लोग लीना की हेल्प करने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि इस काम में बहुत ज्यादा खतरा था। फिर लीना वहाँ पर अलग अलग लोगों से हेल्प मांगती है लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होता। इसी दौरान एक आदमी लीना को बताता है कि डैनियल को कोलोनिया नाम के एक जगह पर ले जाया गया है जिसको पॉल नाम का एक आदमी चलाता है और वो जगह इतनी ज्यादा सिक्योर है कि जो भी एक बार वहाँ पर जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। अभी सुनकर लीना खुद ही कोलोनिया जाने का डिसाइड करती है और वो एक नन बनकर वहाँ पर काम करने के लिए पहुँच जाती है। फिर वहाँ पर उसकी मुलाकात दिल का दौरा नाम की एक बुढ़िया से होती है जो कि उसे कोलोनिया के रूल्स बताकर उसे कन्फेस करने के लिए पॉल के पास भेज देती है। वहाँ पॉल भी एक नंबर का हरामी होता है और वो लीना की बॉडी में से शैतान निकालने के बहाने उसे अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो उसे टच करने लगता है। इसके बाद दिल का दौरा उसे उसका रूम दिखाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर बाकी नंस के साथ रहोगी। फिर कुछ देर बाद जब बाकी नंस वहाँ पर आती है तो वहाँ पर लीना की मुलाकात चुटकी नाम की एक लड़की से होती है जो उसे बताती है कि मैं बहुत ही जल्दी घचागच मचाने वाली हूँ, मतलब मेरी शादी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जिसे मिलिट्री के लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं ताकि वो उससे बाकी प्रोटेस्टर्स के नाम जान सके। अब कुछ ज्यादा ही टॉर्चर होने के कारण डैनियल का दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, जिसके बाद उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। इसके बाद हम लीना को देखते हैं जो कि खेतों में काम कर रही थी, पर लगातार काम करने की वजह से वो थककर नीचे गिर जाती है और पानी मांगने लगती है। तभी वहाँ पर दिल का दौरा आती है और उसे पानी देने की जगह वो उसे चाबुक से मारने लग जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन हम डैनियल को देखते हैं जिसकी दिमागी हालत खराब होने की वजह से उसे एक वेल्डिंग शॉप में हल्का फुल्का काम करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि डैनियल की दिमागी हालत बिल्कुल सही है और वो सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। फिर उसी रात दिल का दौरा चुटकी को अपने साथ कहीं पर लेकर जाती है और वहीं पर लीना भी उसे देख रही थी, जिसके बाद वो भी उसका पीछा करने लगती है। इसके बाद वो देखती है कि चुटकी को एक हॉल में बिठाया जाता है जहाँ पर पॉल और बहुत सारे मर्द होते हैं। वहाँ पर पॉल ने उन सभी लोगों का ब्रेन वॉश कर रखा था जिस वजह से वो लोग पॉल को अपना भगवान मानते थे। उन सभी आदमियों में लीना डैनियल को भी देखती है और फिर पॉल सभी को कहता है कि चुटकी के अंदर शैतानी आत्मा है और हम सभी को चुटकी को मारकर उसके अंदर से शैतानी आत्मा को बाहर निकालना होगा। अभी सुनते ही सभी लोग चुटकी पर टूट पड़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी एक आदमी लीना को वहाँ पर देख लेता है, जिसके बाद लीना भागते हुए अपने बेड पर आकर सो जाती है। फिर कुछ देर बाद हम वहाँ पर पॉल को देखते हैं जो कि दिल का दौरा को पीटने लगता है क्योंकि वो बुढ़िया इतनी सी लड़कियों को भी संभाल नहीं पा रही थी। फिर अगले दिन लीना को छिपकली नाम की एक लड़की से पता चलता है कि कल रात चुटकी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि आज उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब क्योंकि लीना ने डेविड को वहाँ पर देखा था, इसलिए वो छिपकली से पूछती है कि अगर मुझे भी उस रूम में जाना है तो क्या करना होगा, जिस पर छिपकली उसे बताती है कि वहाँ पर सिर्फ उन्हीं लड़कियों को ले जाया जाता है जिसने कोई पाप किया हो। फिर इसके बाद लीना बिना कपड़ों के उन लोगों की पवित्र नदी में नहाने लगती है, जिसके बाद उसे भी उसी रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर चुटकी को लाया गया था। वहाँ पर पॉल भी होता है और वो बाकी लोगों को बोलता है कि लीना के अंदर शैतानी आत्मा है। अब लीना वहाँ पर सिर्फ डैनियल को देखने आई थी, पर डैनियल वहाँ पर नहीं होता। दरअसल डैनियल वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था और वो जैसे ही निकलने के लिए फेंसिंग पर चढ़ने की कोशिश करता है तभी उसे एक जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ वो लोग लीना को पीटने वाले होते हैं लेकिन डैनियल की इस हरकत की वजह से वहाँ का अलार्म बज जाता है और वो लोग उसे देखने के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर एक दिन वहाँ पर मिलिट्री का एक प्रेसिडेंट आता है, जिसके स्वागत के लिए वहाँ पर मर्दों और औरतों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है। इसी दौरान वहाँ पर लीना की मुलाकात डैनियल से होती है और वो उसे रात होने पर स्टोर रूम में मिलने के लिए बुलाती है। फिर रात को वो दोनों स्टोर रूम में मिलते हैं और वहाँ पर लीना डैनियल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं उन दोनों को वहाँ पर एक अंडरग्राउंड सुरंग का रास्ता मिलता है, जिसको चेक करने के लिए डैनियल उसके अंदर चला जाता है। वो देखता है कि उस सुरंग में बहुत सारे रूम बने हुए हैं और उनमें से एक रूम वही था जहाँ पर डैनियल को टॉर्चर किया गया था। तभी ऊपर लीना को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो डैनियल को आवाज लगाकर उस स्टोर रूम को बंद कर देती है और फिर उसके जाते ही डैनियल भी वहाँ से निकल जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि डैनियल का मेडिकल चेकअप कराया जाता है क्योंकि उस पर वो लोग जहरीली गैसों का एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। फिर उन सभी के जाने के बाद छिपकली को वहाँ पर डैनियल के कपड़ों में से एक क्रॉस मिलता है, जिसके अंदर डैनियल और लीना की फोटो लगी हुई थी। अब ये देखकर छिपकली भी समझ जाती है कि लीना यहाँ पर डैनियल को बचाने आई है। फिर इसके बाद हम लीना और डैनियल को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर डैनियल उसे उस पर होने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा होता है। इसके साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि हमें आज रात को ही यहाँ से भागना होगा। फिर वो दोनों सुरंग के रास्ते वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं
और इसके साथ ही डैनियल ने वहाँ पर कुछ फोटोज भी क्लिक कर ली थी जिसकी मदद से वो बाकी देशों को कोलोनिया की सच्चाई बताएगा। पर ये देखकर लीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इस चूतिया की फोटो क्लिक करने की वजह से ही ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तभी उन दोनों को वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और फिर डैनियल सुरंग में जाकर वहाँ पर छुप जाता है। तभी वहाँ पर दिल का दौरा छिपकली को आलू छीलने के लिए लेकर आती है, पर क्योंकि छिपकली अपने साथ चाकू लेकर नहीं आई थी इसलिए दिल का दौरा चाकू लेने के लिए बाहर चली जाती है। फिर उसके जाते ही छिपकली लीना को बताती है कि वो दिल का दौरा की बेटी है और वो प्रेग्नेंट है, पर अभी तक ये बात उसकी माँ को नहीं पता। फिर जब दिल का दौरा चाकू लेकर वापस आती है तो उसे वहाँ पर डैनियल की क्लिक करी हुई फोटोज मिल जाती है। इसके बाद लीना को पॉल के पास भेज दिया जाता है और फिर पॉल उसे पूछताछ करता है कि तुम्हारे पास ये फोटोज कहाँ से आई। तभी पीछे से डैनियल वहाँ पर आता है और उसे बोलता है कि मैंने ही ये फोटोज लीना को दी थी और उसे ये फोटोज पॉल के भाई के फाइल से मिली थी। अब क्योंकि डैनियल दिमागी रूप से बीमार था इसलिए पॉल भी उसकी बात मान लेता है और लीना को छोड़ देता है। इसके बाद जब दिल का दौरा छिपकली को अपने साथ कहीं लेकर जा रही थी तभी लीना दिल के दौरे को डंडे से मारकर बेहोश कर देती है और फिर वो डेविड को बताती है कि हमें छिपकली को भी अपने साथ ले जाना होगा क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और हम उसे ऐसी हालत में यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। इसके बाद जब वो तीनों सुरंग के रास्ते वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी ऊपर भी सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो तीनों गायब हैं और फिर वो सभी उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं ये तीनों बहुत ही मुश्किल से उस सुरंग से निकलकर एक जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी छिपकली एक ट्रैप में फंस जाती है और उसे गोलियां लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर लीना को बहुत ज्यादा दुख होता है और फिर वो दोनों किसी से लिफ्ट मांगकर बहुत ही मुश्किल से जर्मन एम्बेसी पहुंच जाते हैं। फिर एम्बेसी वाले लोग उन दोनों को नया पासपोर्ट बनाकर देते हैं ताकि वो इस देश को छोड़कर वापस अपने देश जा सकें। इसके बाद डैनियल उन लोगों को कॉलोनियों में खींची हुई फोटोज दिखाता है ताकि वो लोग भी वहाँ पर हो रहे अत्याचार के बारे में जान सकें। फिर कुछ देर बाद उन दोनों को पता चलता है कि यहाँ से जर्मनी जाने वाली फ्लाइट की टिकट्स खत्म हो चुकी हैं, इसलिए उन लोगों को थोड़ा वेट करना होगा। अभी सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें ढूंढते हुए कभी भी पॉल यहाँ पर आ सकता है। तभी लीना अपने एक दोस्त को फोन करती है जो कि चिली से जर्मन जाने वाली फ्लाइट का कैप्टन होता है और उसके बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो उन दोनों की जर्मनी जाने की टिकट्स बुक कर देता है। इसके बाद जर्मन एम्बेसी का एक ऑफिसर उन्हें एयरपोर्ट लेकर जाता है, लेकिन तभी वो उन्हें आगे के दरवाजे से अंदर ले जाने की बजाय उन्हें बैकडोर से एक कैबिन में लेकर आता है और कहता है कि फ्लाइट के टेक ऑफ होने में अभी थोड़ा टाइम बाकी है। फिर वहाँ पर डैनियल और लीना को कुछ अजीब लगने लगता है क्योंकि बहुत टाइम बीतने के बाद भी उन लोगों को वहाँ से नहीं ले जाया गया। तभी लीना खिड़की से देखती है कि वहाँ पर पॉल भी आ गया है और वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। अब ये देखकर वो दोनों खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाते हैं और बहुत ही मुश्किल से प्लेन के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी पॉल फ्लाइट को कैंसिल करा देता है क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से बचकर निकल गए तो पॉल के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं लीना अपनी दोस्त से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि अगर हम अभी यहाँ से नहीं निकले तो पॉल हमें जान से मार देगा। अब लीना का दोस्त भी उसकी बात मान जाता है और वो बिना परमिशन के ही प्लेन को उड़ाकर जर्मनी की तरफ निकल जाता है। अब वो दोनों सेफली अपने देश पहुंच गए थे और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।